का जीवन जी रहे। केजी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आज काफी दिनों बाद मुझे मंच पर आने का मौका मिला है और इवेंट भी बहुत अच्छा है। और एक शिक्षक के लिए शिक्षक दिवस पे कुछ भी डिलीवर करना या बोलना एक बहुत अचीवमेंट होती है। देखिए, आप लोगों को बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं और इनका कोई कंपेयर नहीं है। आपकी प्राइमरी से लेकर सीनियर तक आगे हायर स्टडी होगी, आपकी कॉलेज लाइफ जो भी होगी उसमें अलग अलग शिक्षक आएंगे। सबके अपने मापदंड है, सबका अपना रोल है और सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी जो आपको आगे एक क्रिएटिव इंसान बनाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है इस नेचर से बढ़िया कोई भी टीचर नहीं हो सकता। आपके सामने एक काम हो रहा है, आप थोड़ा देखिए, चिड़ियाएं अपना घर बना रही है। आप उनको कॉर्नर में जब देखोगे तो उनकी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी को आप देखिए, वो किस प्रकार एक एक दाना लाकर अपनी क्रिएटिविटी से अपना घरों का निर्माण कर रही है। ये भी अपनी जगह कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा मैसेज दे रही है जिसमें आप ये समझोगे, सोचिए इसकी चोंच कितनी छोटी होगी और इसने कितना बड़ा घर बना लिया होगा एक छोटे दाने से। ये आपकी स्कूलिंग, आपकी छोटी छोटी क्लासें जिसमें 35 मिनट का भी लेक्चर है, आगे आने वाले चरण में 40 मिनट का भी होगा, ईयरली भी होगी, 10 नंबर का जो आपका टेस्ट होता है सब होगा। ये छोटे छोटे स्टेप आपको आगे जाके एक एनुअल एग्जाम फेस करने के लायक बनाएंगे। जब आप वहाँ बैठोगे तब आपको रियलाइज होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपने ड्यूरिंग द स्कूल टाइम की थी वो आपको मोटिवेट करके कंप्लीट पैकेज बनाती है। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन में हैं, चाहे वो सीनियर सेक्शन में, चाहे वो मैनेजमेंट में, आप सबका इक्वल सम्मान करें। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ जो सब्जेक्ट टीचर उनको पढ़ाता है उनको गुड मॉर्निंग कर दिया जाता है, उनके पांव छू लिए जाते हैं और उनके कुछ तरीके से उनको प्रेजेंटेशन देखकर उनको खुश किया जाता है। नहीं, आपके हर एक टीचर टीचर है, डजंट मैटर वो आपको पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। अगर आप ये फर्क कर रहे हो तो फिर इस इवेंट का कोई मीनिंग भी नहीं बचता। आप ध्यान रखिए, फिलहाल मैं यहाँ बहुत शिक्षकों से बहुत कुछ सीखता हूँ और यहाँ एट टाइम प्रेजेंट मुरलीधर जी सर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो मेरे गुरु फिलहाल मैं उनको ही मानता हूँ क्योंकि जिनसे मैं पढ़ा हूँ। तो बाकी सभी टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। लेकिन जब मैं 9th क्लास में था और ये बात 2004 के आसपास की है, तब सर ने बेसिकली मैं इनसे इनडायरेक्टली पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे साइंस नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहता कि बाकी सब टीचर इम्पेक्ट नहीं डालते, यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। केवल क्लास में लेक्चर डिलीवर करना ये सब कुछ नहीं होता है, आप इनडायरेक्टली सीखिए। आप जीवन के बाद पर अगर सक्सेस होना चाहो तो बिहेवियर से सीखिए। इतने अच्छे अच्छे बिहेवियर डिलीवर करने वाले टीचर हैं यहाँ पे, नेगेटिविटी मत सीखिए। कोई टीचर क्या नेगेटिविटी है फोकस ही मत कीजिए इस पर, सारे टीचर अच्छे हैं, उनकी क्वालिटीज़ को आप पिकअप कीजिए। जितनी क्वालिटीज अच्छी होगी उतना ही फायदा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए और थैंक यू धनाराम जी सर टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू।